अच्छा ही नहीं, दिन भर तो यही रहता है कि अभी तो सिलेबस का क्लियर नहीं हुआ, अभी तो संस्कृत जुड़ रहा है, पता चले उर्दू जोड़ दे, पता चले ऐसे ही स्पेनिश सब जोड़ते ही रहे, और पाँच छह महीना जोड़े और घटाए और एक दिन निकाल दे, एक दिन निकाल दे, एक दिन निकाल दे कि 60% अभी किए हैं, आगे कर दे 70%। पहला चीज हमारा ये 33% करे, 60% से हटा के 33% करे। दूसरा हमारी एग्जाम की जो तिथि है वो तय करें, और तीसरी चीज जो है टेट का रिजल्ट घोषित करें और हमारी एग्जाम की तिथि तय करें। सर लोग 68,500 भर्ती के लिए यहाँ आए हैं, आए दिन देख रहे शासन अपने रवैये पे इधर उधर घट बढ़ रहा है, कि कभी कहता है कि हम परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखेंगे, कभी कहता है हम 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे। तो हम लोगों का, छात्रों का ना तो पढ़ने में मन लग रहा है ना भर्ती के प्रति कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि 25 दिसंबर तक हम एग्जाम करवा देंगे, कभी कहते हैं जनवरी में करवा देंगे, कभी कहते हैं फरवरी में करवा देंगे। इसी सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने आए मैम को। हम लोगों का कहना है कि जो आगामी शिक्षक भर्ती हो उसमें एक उचित मानक तय किया जाए, 60% कोई एक उचित मानक तय नहीं है, क्वालिफाइंग अगर मार्क्स रखते हैं तो 33 से 40% तक रखा जाए, अन्यथा क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया जाए, और हमारी जो भी हो एक लिखित रूपरेखा के रूप में जल्द से जल्द प्रस्तुत करके हम लोगों का टीटी का जो 2017 में टीटी हुआ है उसका रिजल्ट जारी करके और नई भर्ती का मॉडल पेपर जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे हम लोग आने वाली भर्ती में अपने आप को एक प्रिपेयर के रूप में तैयार कर सकें।